मैरी क्रिसमस। हेलो नमस्कार आदम, मैं अपने नाल आपके साथ फिर से वापस आया हूँ मेरे चैनल रिव्यू स्टोरी पर। और आज कुछ शुरू करने से पहले सबको मेरे तरफ से, मेरे सारे दोस्तों को, फैमिली को, उनके मैरी 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 क्रिसमस। बहुत ही आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा जाए और आज के पूरे दिन बहुत सारा एन्जॉयमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए। तो अब बात करते हैं मूवी की रिव्यू की। नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ है हमारे मोस्ट अवेटेड फिल्म AK वर्सेस AK, जिसमें अनिल कपूर के साथ अनुराग कश्यप की एक घमासान लड़ाई होता है, और जो कि हमने देखा ऐसे ही एक लड़ाई पूरे मूवी में। तो स्टोरी जो है लगभग हमने ट्रेलर में हमने देख ही चुका था, जहाँ पे एक जो सुपरस्टार है अनिल कपूर, उसकी बेटी किडनैप हो जाता है, जिसका मास्टरमाइंड है अनुराग कश्यप। और उसमें सिर्फ ये फिल्म के साइड को रख के वो अपना पर्सनल रिवेंज भी निकाल रहे हैं। ये सिनेमा ऐसे ही चलता है, लेकिन सिनेमा की खास बात जो है इसकी मेकिंग, इसकी ट्रीटमेंट, जिसकी प्रेजेंटेशन इसके पहले ना बॉलीवुड में कभी हुआ था ना आगे जाके कभी हो सकता है, अगर ये अनुराग कश्यप फिर से चाहे। जो कि इस मूवी में हमको ये झलक भी दिखाई देगा कि शायद अनुराग कश्यप फिर से एक ऐसी मूवी इन फ्यूचर बना सके। तो सबसे पहले अनुराग कश्यप को तो मेरे तरफ से हैट्स ऑफ, क्योंकि ये हिम्मत, ये जुर्रत अनुराग कश्यप के अलावा और कोई नहीं दिखा सकता। जैसे कि वसेपुर हो सकता है, सेक्रेट गेम्स हो सकता है, वैसे ही AK वर्सेस AK हो सकता है। तो जो भी इस मूवी को ख़राब बोल रहा है, प्लीज़ उसकी बात मत सुनिए, क्योंकि और भी हमारे और भी दिग्गज जो एक्टर्स हैं उनके मूवी भी आई है और बहुत रीमेक मूवी आई है, वो देखने से तो अच्छा है ये मूवी देखिए। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, ये अच्छा लगे या बुरा लगे ये तो बाद में आएगा, लेकिन आप ये मूवी देखते रह जाएंगे, ये मूवी है ही ऐसी। और अनुराग कश्यप, देखिए अनिल कपूर का तो क्या कहना, वो तो बड़े एक्टर है, बड़े सुपरस्टार है, वो तो 40 साल से ये काम करते आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक किरदार निभा चुके हैं। लेकिन अनुराग कश्यप बिहाइंड द कैमरा वो क्या कर सकते हैं, हमने उनके मूवी उनके वेब सीरीज से देखा है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा वो क्या कर सकते हैं वो भी उन्होंने दिखाया है। तो मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट मोगैम्बो ना इनको ही होना चाहिए, ये अनुराग कश्यप की यही खासियत है। और मूवी की जो बात करूँ कि ये मूवी ना सिंपली माइंड ब्लोइंग है, आउटस्टैंडिंग है, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आप ना खो जाएंगे एक टाइम में ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे ये हो क्या रहा है, क्या मतलब ये माजरा क्या है, कि ये रियल हो क्या, ये क्या रियल है या शूटिंग है, ये क्या है, कुछ भी आप मतलब सिर्फ सोचते रह जाएंगे। और इसमें जो थ्रिल का जो पोर्शन ऐड हुआ है ना, जिसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता रहेगा, आप ट्विस्ट देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे कि क्या ट्विस्ट है। लेकिन मैं ये एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन बॉलीवुड में चलता तो कपूर का ही है। सो ये मूवी ज़रूर देखें, मैं इसको तो 5 में से 3.5 स्टार ज़रूर दूंगा, जिसमें 1 स्टार मैं कटूंगा बेफालतू के गाली गलौज के लिए, वो भी माँ बहन वाला गाली गलौज के लिए। और 0.5 स्टार मैं कटूंगा जहाँ पे एक सीन है जहाँ पे अनुराग कश्यप देता है खींच के एक लड़की को। सो ये तो थोड़ा अनजस्टिफाइड हो गया, लेकिन ननदरलेस ये मूवी तो है बहुत ही बढ़िया मूवी, आप ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये मूवी कैसा लगा। और सबको फिर से जाने से पहले मेरी क्रिसमस, और ये क्रिसमस की खुशी में तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।